मोर शब्द का प्रयोग आमतौर पर दोनों लिंगों यानी नर और मादा के लिए किया जाता है। तकनीकी रूप से केवल नर ही मोर होते हैं, मादा मोरनी है और एक साथ इन्हें मोर कहा जाता है। नीला मोर भारत और श्रीलंका का राष्ट्रीय पक्षी है। नर की एक खूबसूरत रंग बिरंगी फरों वाली बनी पूंछ होती है। बरसात के मौसम में काली घटा छाने पर जब ये पक्षी पंख फैलाकर नाचता है तो ऐसा लगता है मानो इसने हीरों से जड़ी पोशाक पहनी हुई हो। इसीलिए मोर को पक्षियों का राजा कहा जाता है। पक्षियों का राजा होने के कारण ही प्रकृति ने इसके सर पर ताज जैसी कलंगी लगाई है। मोर के अद्भुत सौंदर्य के कारण ही भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। हमारे पड़ोसी देश म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी भी मोर ही है। मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। अंग्रेजी भाषा में इसे ब्लू पीफाउल अथवा पीकॉक कहते हैं। संस्कृत भाषा में ये मयूर के नाम से जाना जाता है। मोर भारत तथा श्रीलंका में बहुतायत पाया जाता है। मोर मूलतः वन्य पक्षी है, लेकिन भोजन की तलाश इसे कई बार मानव आबादी तक ले आती है। मोर प्रारंभ से ही मनुष्य के आकर्षण का केंद्र रहा है। अनेक धार्मिक कथाओं में मोर को उच्च कोटि का दर्जा दिया गया है। हिंदू धर्म में मोर का खाना महापाप समझा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में लगा मोर का पंख इस पक्षी के महत्व को दर्शाता है। महाकवि कालिदास ने महाकाव्य मेघदूत में मोर को राष्ट्रीय पक्षी से भी अधिक ऊंचा स्थान दिया है। राजा महाराजाओं को भी मोर बहुत पसंद रहा है। प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में जो सिक्के चलते थे उसके एक तरफ मोर बना होता था। मुगल बादशाह शाहजहां जिस तख्त पर बैठे थे उसकी संरचना मोर जैसी थी। दो मोरों के मध्य बादशाह की गद्दी थी तथा पीछे पंख फैलाए मोर हीरो पन्नों से जड़े इस तख्त का नाम तख्ते ताऊस रखा गया। अरबी भाषा में मोर को ताऊस कहते हैं। नर मोर की लंबाई 215 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई लगभग 50 सेंटीमीटर होती है। मादा मोर की लंबाई लगभग 15 सेंटीमीटर ही होती है। नर और मादा मोर की पहचान करना बहुत आसान है। नर के सिंह पर बड़ी कलंगी तथा मादा के सिर पर छोटी कलंगी होती है। नर मोर की छोटी सी पूंछ व लंबे व सजावटी पंखों का एक गुच्छा होता है। मोर के इस पंखों की संख्या लगभग 150 होती है। मादा पक्षी के ये सजावटी पंख नहीं होते। वर्षा ऋतु में मोर जब पूरी मस्ती में नाचता है तो उसके कुछ पंख टूट जाते हैं। वैसे भी वर्ष में एक बार अगस्त के महीने में मोर के सभी पंख झड़ जाते हैं। ग्रीष्म काल से आने से पहले ये पंख फिर से निकल आते हैं। मुख्यतः मोर नीले रंग में पाया जाता है, परंतु ये सफेद, हरे व जामुनी रंग के भी होते हैं। इसकी उम्र 25 से 30 वर्ष तक होती है। मोरनी घोंसला नहीं बनाती, ये जमीन पर ही सुरक्षित स्थान पर अंडे देती है। मोर के दौड़ने की रफ्तार 16 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। बारिश के मौसम में जब काली घटा छा जाती है तब मोरनी को रिझाने के लिए मोर उसके आसपास नाचता है। मोरनी बस घूमती और टहलती है और मोर की एक्टिविटी को ऑब्जर्व करती है। नाचने वाले मोर में से किसी एक को चुनने का अधिकार उसके पास होता है, फिर उसी के साथ वो जोड़ा बनाती है ताकि आने वाली संतान प्राकृतिक रूप से सबसे फिट और चुस्त दुरुस्त रहे। मोर के नाचने से माइंड में अलग ही हलचल होती है, ये हैप्पीनेस न्यूरॉन्स की वजह से होता है। मोर को नाचते देख ये एक्टिव हो जाता है, इससे दिलों और दिमाग पर प्यारा सा नशा छाने लगता है। ये मोर की खासियत है कि मोर को नाचते देख लोग कभी दुखी नहीं रह सकते, इसीलिए मोर को नाचते देख लोगों के मन में मयूर नाचने लगता है। पक्षी जगत में ये सामान्य नियम है कि नर का चयन अधिकार मादा के पास होता है। जो भी जीव जोड़ा बनाते हैं उनमें मादा जब नर की काबिलियत को लेकर हर तरीके से संतुष्ट हो जाती है तभी उसे चुनती है। कई पक्षी तो ऐसे हैं जिनमें नर मादा को प्रभावित करने के लिए घोंसला भी बनाते हैं। पशु पक्षियों की इस बात से हमारे समाज को भी सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ अमूमन ये अधिकार पुरुषों के पास है।
नर मोर मुख्य रूप से नीले रंग के होते हैं, साथ ही इनके पंख में चपटे चम्मच की तरह नीले रंग की आकृति जिस पर रंगीन आंखों की तरह चित्ती बनी होती है। पूंछ की जगह पंख एक शिखा की तरह ऊपर की ओर उठी होती है और लंबी रेल की तरह एक पंख दूसरे पंख से जुड़े होने की वजह से ये अच्छी तरह से जाने जाते हैं। सख्त और लंबे पंख, ऊपर की ओर उठे हुए पंख विशेष अवस्था के दौरान पंख की तरह फैल जाते हैं। मादा में इस तरह की पूंछ की पंक्ति का अभाव होता है। इनकी गर्दन हरे रंग और पक्षती हल्की भूरी होती है। ये मुख्य रूप से खुले जंगल या खेतों में पाए जाते हैं जहां उन्हें चारे के लिए बेरीज अनाज मिल जाता है, लेकिन ये सांपों, छिपकलियों, चूहे, गिलहरी, कीड़ों वगैरह को भी खाते हैं। वन क्षेत्रों में अपनी तेज आवाज ये आसानी से पता लगा लिए जाते हैं। अक्सर एक शेर की तरह शिकारी को अपनी उपस्थिति का संकेत भी देते हैं। इन्हें चारा जमीन पर ही मिल जाता है। ये छोटे समूहों में चलते हैं और आमतौर पर जंगल में पैर पर चलते हैं और उड़ान से बचने की कोशिश करते हैं। ये लंबे पेड़ों पर बसेरा बनाते हैं। भारतीय वन अधिनियम 1972 अनुसूची 1 के अनुसार मोर देश का प्रतिबंधित पक्षी है। मोर को मारना या उसका शिकार करना दंडनीय अपराध है। मोर का शिकार करने या उसे किसी तरह से मारने पर 3 से 5 साल की कैद और 1,000 रुपए का जुर्माना लगता है। मरने के बाद मोर को यूं ही नहीं दफनाया जाता। निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत मोर का अंतिम संस्कार केवल राज्य वन विभाग की तरफ से ही किया जाता है। कभी कभार मोर के शव पर पुष्प भी अर्पित करते हैं।